अच्छा, आपकी बहू नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? जी वो अपनी अम्मी के घर गई हुई है। अच्छा, ये टी सेट तो बहुत ही खूबसूरत है। ये तो मेरी बेटी की पसंद का है, असल में उसको इंग्लिश क्रॉकरी बहुत ही पसंद है। वैसे मैंने अपनी बेटी के लिए तो जहेज में हर चीज लेके रख ली है, कुकिंग रेंज है, फ्रिज है, स्प्लिट एसीज हैं, वगैरह वगैरह सभी कुछ है। और व्हाइट कलर का सोफा सेट भी है, बहुत ही अमेजिंग। और व्हाइट कलर तो आई थिंक आजकल इन भी है ना अम्मी? जोया तुम? हाँ मैं। भाई मेरी नंद के ससुराल वाले आए हैं और मैं ना हूँ, ये तो ज्यादती होगी। ये मेरी बहू है जोया, आओ बेटा बैठो। अम्मी आपने मेरा टी सेट क्यों निकाला है? आपने तो मुझे मना किया था मेरे जहेज का सामान इस्तेमाल करने से। भूल गई मेरी मामा के सामने कितनी इंसल्ट की थी आपने मेरी? चुप क्यों हो गई आप, बोले? रोई अंदर चलो, मैं तुमसे बात करता हूँ। नहीं जाना मैंने, क्यों जाऊं मैं अंदर? हाँ आपकी बहन का रिश्ता तय हो रहा है और रिश्ता सच की बुनियाद पर तय होना चाहिए, झूठ की बुनियाद पर ना रिश्ते ज्यादा देर तक कायम नहीं रहते। बताओ इन्हें सच, बताओ। कैसा सच? मैं बताती हूँ, ये जो आपको फ्रिज टीवी एसी मिल रहा है ना, ये इनकी बेटी का नहीं मेरा सामान है, इनकी बहू का, जो आपको मिल जाएगा। और अगर आपकी बेटी होगी तो आप उठा के उसे दे देंगी, मुझे तो इन्होंने यूज करने की इजाजत ही नहीं दी। और बीच में पिसा कौन? मेरे माँ बाप। तुम क्या कह रही हो बेटा? हम तो खुद जहेज की लालत को बुरा समझते हैं। हमने तो ये सोच रखा था कि हम उनसे कहेंगे कि जहेज के नाम पे हमें सिर्फ बेटी चाहिए, हम इतने कमजोर लोग नहीं है। सुना अम्मी, क्या कहा इन्होंने? कमजोर, यानी जो लोग ऐसा काम करते हैं ना उन्हें कमजोर कहते हैं। तो आप तुम अपनी हद पार कर रहे हो। सॉरी तुम्हें बुरा लगा, हर्ट हुआ, होना भी चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, उस वक्त तुम्हें बुरा क्यों नहीं लगा जब घर में एसी होते हुए भी मुझे गर्मी में सोना पड़ा, वॉशिंग मशीन होने के बावजूद भी मैं हाथों से कपड़े धोती रही, कुकिंग रेंज भी था फिर भी मैंने उस सड़े हुए चूल्हे में रोटी पकाई जिसकी मुझे प्रैक्टिस भी नहीं थी। बताओ तुम्हें बुरा क्यों नहीं लगा? बीवी हूं मैं आपकी, मेरे कंफर्ट का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी थी। जानते हैं आप, वालदेन अपनी बेटी को जहेज क्यों देते? ताकि उसे इस्तेमाल कर सके, उसे ससुराल में किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। अरे उन्हें क्या पता था कि अगर ससुराल वाली कमजोर हो तो उसकी बेटी को कुछ नहीं मिलता, वो महरूम हो जाती है अपनी चीजों से। बहन मैं माजर चाहती हूँ, आपकी बहू की बातें सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि हम ये रिश्ता जारी रख सकेंगे। वैसे भी जो औरतें दूसरों की चीजों पर नजर रखती हैं वो अपनी औलाद की कैसी तरबियत करती होंगी। चलिए भाई मेरी बात। यही चाहती थी ना तुम? मेरी बेटी की एक अच्छी जगह शादी हो रही थी, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, जड़ कुकड़ी कहेंगी। नहीं अम्मी, हर कोई आपकी तरह नहीं होता। अगर झूठ की बुनियाद पर रिश्ता कायम हुआ ना तो जो आपने मेरे साथ किया है वो आपकी बेटी के साथ होगा। आपने मुझे मेरे जहेज इस्तेमाल करने नहीं दिया ना, उसके भी किसी काम नहीं आएगा। ये दुनिया मकफाते अमल है, जो जैसा करेगा वो वैसा भुगतेगा। कामरान इस बदतमीज लड़की को तुम इसी वक्त फारिग करो, एक मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगी इस घर में। मुझे भी नहीं रहना ऐसी सास और ऐसे शौहर के साथ। और सुन लो कामरान, अब तक मैं इसलिए सुनती रही, सब कुछ सहती रही, क्योंकि मुझे लगा कि तुम इन जैसे नहीं हो। लेकिन मुझे नहीं पता था, आज मुझे एहसास हुआ कि तुम भी इनके साथ मिले हुए हो। ये सुनते ही ना ये सारा मान टूट गया। बस अब कुछ नहीं कहना, देख लिया मैंने कि तुम कैसे हो। मेरी बात सुनो, ये तुमने इस लड़की की भी मुझसे जिदें की थी, इतनी बदतमीज लड़की जिसे ना तुम्हारी इज्जत का पास है और ना खानदान की कोई परवाह। बस कर दे,
खुदा के लिए बस कर दे अब। आपको मालूम भी है कि आपकी लालच की वजह से क्या कुछ हो गया, और आपको अभी तक यह एहसास नहीं हो रहा कि गलती किसकी है। किसकी गलती है बोलो, किसकी गलती है? आपकी, आपकी गलती थी। माएं तो अपनी बेटियों के लिए तिनका तिनका जमा करके जहेज बनाती हैं, मगर आपने, आपने ना खुद इस जिम्मेदारी को समझा और ना मुझे समझने दिया, बल्कि दूसरे की बेटी के दिए हुए माल पर नजर रखी। अभी मैं भाई हूं उसका, मैं परी के लिए कुछ ना कुछ कर लेता, मगर आपकी लालच की वजह से आज आपकी बेटी का रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट गया, और आपके बेटे का जुड़ा हुआ रिश्ता टूटने की दर पर खड़ा है। एक बात बता दूं मैं आपको, मैं अपनी गलती का अजाला करने जा रहा हूं, आपकी तरह हठधर्मी नहीं दिखाऊंगा।